प्रथम तहलका न्यूज। बड़ौदा में इन दिनों मौसम चुनाव का है और इसी चुनावी मौसम में राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से मैदान में उतर चुके हैं। अपने अपने प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रचार जारी है और अपने विरोधियों पर शब्दी बाण चलाए जा रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीते सोमवार को रोहतक के मकड़ोली टोल प्लाजा के नजदीक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष हुड्डा पर निशाना साधा और भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त की जीत का दावा भी कर दिया। अभियान में प्रचार करने जा रहा हूं, जिसका गला पद्म श्री से सजा हुआ, जिसका गला इसका सीना खेल रत्न से सजा हुआ है, इसका सीना अर्जुन अवार्ड से सजा हुआ है, इसके गले में ओलंपिक के मेडल हैं, एशियन गेम्स के मेडल हैं, वेल्थ के मेडल हैं, चैंपियनशिप के मेडल हैं। मुझे गर्व है कि हम ऐसे कैंडिडेट के साथ खड़े हैं, ऐसे कैंडिडेट का समर्थन करना चाह रहे हैं जो भारत की आन बान शान है, जो हरियाणा की आन बान शान है, जो बड़ौदे का गौरव है। योगेश्वर दत्त के बराबर कोई चुनाव मैदान में इस प्रकार का गौरवशाली कैंडिडेट नहीं है। योगेश्वर दत्त जहाँ इलाके की आन बान शान बढ़ाने वाला, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट को तो हरियाणा की विधानसभा में नॉमिनेशन नहीं होता, लोकसभा में राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है, और हमने सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट करके वहाँ भेज दिया था। ये तो ऐसा वो है कि सबने मिलकर इसको विधानसभा में भेजना चाहिए, विधानसभा की आन बान शान बढ़ेगी, क्योंकि हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है और ये चुनाव खिलाड़ी को एक योग्यतम खिलाड़ी को, एक पद्मश्री खिलाड़ी को, एक खेल रत्न खिलाड़ी को, एक अर्जुन अवार्डी को विधानसभा भेजने का अवसर आया, और इसके साथ साथ बड़ौदे का विकास। बाकी कल केवल बात करेंगे अपने परिवार की राजनीति, मेरे परिवार की राजनीति बचा दो। यहाँ हम बात कर रहे हैं बड़ौदे के विकास की, बड़ौदे के प्रगति की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास 4 वर्षों तक खजाने की चाबी नहीं है, एक ईंट नहीं लगा सकते, केवल और केवल बातें करके आएंगे और 3 के बाद बड़ौदे से गायब हो जाएंगे। ये पार्टी है जो वहाँ विकास कराएगी, जो गाँव को आगे बढ़ाएगी। वहाँ विश्वविद्यालय दिया है, जनता बुटाना कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प उन बुजुर्गों का सम्मान है जिन्होंने पहली ईंट जनता बुटाना कॉलेज की रखी थी, स्कूल की रखी। या कॉलेज देना भैंसवाल और बड़ौदा, या IMT लेकर आना, ये सारे के सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बड़ौदा के विकास की एक नई कथा, नई पटकथा लिख रहे हैं। उपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी समय जब किसी का होता है जीवन के किसी भी पड़ाव का, वो अच्छे काम करता है। उन्होंने भी जो है योगेश्वर दत्त को आशीर्वाद दे देना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा कैंडिडेट, पद्मश्री प्राप्त कैंडिडेट, खेल रत्न अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, ऐसे महान खिलाड़ी के समर्थन में खड़ा हो जाए। अब किसकी होगी जीत और किसके हिस्से में हार आएगी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इस चुनावी समर में नेताओं के बयानबाजी और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।